हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 21 अक्टूबर 2024 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ भी ये चार्ट मैंने ओपन करके रख दिया है। ये चार्ट जो है मैंने मेरे जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स से दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ट्रेंड में। यहाँ पे आज के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन जो है वो क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन 0.63% का पॉजिटिव मूव, 77.68.05 पे हमें क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या ऐसा ही पॉजिटिव मोमेंटम रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मोमेंटम आने वाले, उस बारे में बात करेंगे। क्योंकि हम जो स्टॉक का जो है यहाँ पे मंडे का एनालिसिस है, तो इस मंडे को जो है यहाँ पे यानी कि जो है मंडे को किस तरह का जो है यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है, किस रेंज में जो स्टॉक क्लोज हो सकता है वो आपको यहाँ पे बताएंगे। मेरी क्या एक्सपेक्टेशन वो भी यहाँ पे मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो चलिए लास्ट यहाँ पे जो है वन डे के चार्ट में सबसे पहले आने वाले दिनों के लिए हम क्या एक्सपेक्ट करें वो थोड़ा सा आपको बता देते हैं। वन डे के चार्ट पे सबसे पहले मैं बात करूँ वॉल्यूम की, तो एवरेज सा वॉल्यूम देखने मिला। कैंडल यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉल साइज की बॉडी भी ने दोनों के साइड में बारीक बारीक विक देखने मिल रही है। RSI 53-54 के आसपास जो है जो स्लाइट एक नेगेटिव मोमेंटम का जो इशारा देता है, लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी कंसीडर करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ RSI इंडिकेटर्स पर जो भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन यहाँ पे जो है आने वाले दिनों के लिए जरूर, कहने से पहले थोड़ा सा ट्रेंड बता देता हूँ। स्टॉक में ट्रेंड जो है वो है पॉजिटिव। पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की जरूर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी मेरी एक्सपेक्टेशन स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए जरूर पॉजिटिव मूव की है। एक्सपेक्टेड अपसाइड मूव हमें अराउंड 78-61 के आसपास देखने में, उसको भी क्रॉस कर देगा तो मोमेंटम हमें जो है वो 8017 तक आते हुए देखने मिल सकती है। बाकी यहाँ पे आपको क्या लगता है क्या हो सकता है आने वाले दिनों के लिए वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बनार के चार्ट पे मैं बात करता हूँ मंडे के दिन हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा पहले तो बनार का चार्ट। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन आप देख सकते हैं कुछ ऑलरेडी मार्क्ड है, थोड़ा सा डिफरेंट डेटा बना उसके बेसिस थोड़ा सा यहाँ पे मैं वो चेंजेस करके रख देता हूँ। तो जो भी मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ मैं चाहूंगा आप भी जो सेम टू सेम अपने जो है यहाँ पे चार्ट पे चेंजेस जो है वो कर ले, ताकि यहाँ पे जो आने वाले दिनों में कभी भी स्टॉक जो है यहाँ पे उस रेंज में आए तो आपके पास हमारा दिया गया डेटा होगा जिसकी मदद से आप अपना एक प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है वो ले सके। तो यहाँ पे फिलहाल मैं बात करूँ इसके क्लोजिंग की, तो 77.65 पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 77.13 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 77.72 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो है इस मंडे को जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया उसको आप जरूर देख लें, वहाँ पे हमने आपको हर एक चीज समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन यहाँ पे कहने से पहले दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस जोन क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन वो आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 76.62 का, उसके बाद गया था 76.17 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन के बाद का अगला आता है 78.08 का, उसके बाद गया था 78.51 का। यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस जोन आपको बताया जरूर जब उसी को कंसीडर में रखते हैं अपना यहाँ पे इस मंडे का जो ट्रेड ले। मेरी एक्सपेक्टेशन मंडे के लिए जरूर कहूँ तक नेगेटिव क्लोजिंग के 77.13 से लेकर 77.72 के रेंज में मैं जरूर एक नो ट्रेडिंग जोन में क्लोजिंग जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई यानी कि 77.72 के ऊपर जो गैप अप ओपनिंग हुई और 15 मिनट की कैंडल जो 77.72 के ऊपर ही क्लोज हुई तो ही हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग जो देखने मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पे जो पॉजिटिव ओपनिंग या फिर 15 मिनट की कैंडल जो क्लोज नहीं हुई तो हमें एक नेगेटिव क्लोजिंग ही जो देखने मिलेगी, वो भी नो ट्रेडिंग जोन में। ज्यादा कोई नेगेटिव मूव हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आए कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।